हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन 23 जुलाई 2021। आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके वर्क वाइज एंड आपकी हेल्थ वाइज एंड ओवरऑल कैसा रहेगा। एंड ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और सभी साइंस के लिए है, तो ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ओके, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आज का दिन आपके रिलेशनशिप वाइज। सबसे पहले पहला भी आप क्वीन ऑफ वॉन्स। टू ऑफ सोड्स। ओके गाइस, तो अगर थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो अपनी लव लाइफ को लेके आज आप, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिलेगी आज आपको। मे बी आपके पर्सन कंफ्यूज हैं आपको लेके, या फिर आप कंफ्यूज हो, या फिर आप को समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, बट अब अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकाल लोगे और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आप आ जाओगे। ठीक है, मे बी इनिशियली ये पर्सन शायद आपके थोड़े से कंफ्यूज रहें, बट कुछ हिंट्स या क्लैरिटी आपको दे दें आज ये कि हाँ, ये आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। ओके, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आप किसी की पर्सन की वजह से भी अपनी एनर्जी जो है ना वो लो नहीं करोगे। आप बिल्कुल इस एनर्जी में रहोगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाले एनर्जी में रहोगे आज आप। ठीक है, काफ़ी इंट्यूटिव बनोगे आज आप अपने ट्रस्ट करने वाले हो इंट्यूशन के ऊपर, और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी है ना, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से एंड हो ही जाएंगे। एंड आपकी फैमिली में भी अगर कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है तो उस वो चीज़ में भी क्लैरिटी मिल जाएगी आज। ओके, एंड अगर आप जनरली कंफ्यूज हो अपनी लव लाइफ को लेके, तो भी मे बी आपके पार्टनर शायद आज आपको थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं रिगार्डिंग देयर फीलिंग्स। ओके, बिकॉज वो आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मानते हैं, तो डेफिनेटली वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी पॉजिटिव पर्सन मानते हैं ये पर्सन आपको। तो मे बी आज ये पर्सन अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल के आपको थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। ओके, अब देखते हैं वर्क लाइफ कैसी रहेगी आज आपकी। किंग ऑफ कप्स एंड ओके, वी हैव टू किंग, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी शानदार रहेगी आज आपकी लव लाइफ एंड आपकी वर्क लाइफ काफ़ी शानदार रहेगी आज आपकी। ओके, एंड काफ़ी हार्ड वर्क करोगे लेकिन इन्जॉय भी करोगे अपनी लाइफ को, तो काफ़ी मतलब प्यार से आप आज काम करने वाले हो, आपका मन लगेगा आज काम करने में। ठीक है, और जितना मन से काम करोगे ना, उतना ही अबंडेंस भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, मे बी आज आपको कुछ सैलरी रेज मिल सकता है, या फिर कुछ ना कुछ हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है अपनी वर्क से रिलेटेड। मे बी आज आपकी तारीफ़ हो आपकी वर्क प्लेस में, या अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ भी आपकी तारीफ़ हो सकती है, तो काफ़ी आपका मन लगेगा आज काम करने में। ठीक है, आपके अंदर एक वो होगा पैशन कि हाँ, मुझे कुछ करना है मेरी लाइफ में, मुझे आगे बढ़ना है मेरी लाइफ में, मुझे प्रूव करना है लोगों की हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो बिल्कुल किंग की तरह आप एक्शन लोगे अपनी लाइफ में, एंड वी हैव टू किंग कार्ड्स, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो मेजर हो रहा है आपकी लाइफ में आपकी वर्क से रिलेटेड। ओके, चलिए देखते हैं कि आपकी हेल्थ लाइफ आज कैसी रहेगी, हेल्थ वाइज कैसा फील करोगे आज आप हेल्थ। ओके, टेम्परेंस, लॉट्स ऑफ हीलिंग आज आपके लिए। एंड वी आर फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ रहेगी आपकी हेल्थ में। ठीक है, सबसे पहले तो हीलिंग, अगर आप किसी बात को लेके बहुत वक्त से परेशान हो, आप थोड़े से कन्फ्यूजन में हो, आप मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हो किसी बात को लेके, तो आज आपको वहाँ से थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सकती है। दैट्स वाई आज आपका मूड अच्छा रहेगा, काफ़ी हीलिंग वाली एनर्जी, काफ़ी रिलैक्सेशन वाली एनर्जीज में रहोगे आज आप। ठीक है, आज आप फील करोगे कि एंजल्स जो है ना, वो स्पेशली आपके अराउंड है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड वी आर फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपके घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहेगा, पार्टनर के संग भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। दैट्स वाई आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे आज। ठीक है, सिचुएशंस काफ़ी बेटर रहेंगी आपकी हेल्थ वाइज, बहुत आप लोगों से आज मिलजुल सकते हो, कहीं जा सकते हो। मे बी आप कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो आज, उसके लिए ड्रेसअप हो रहे हो, तो भी आपका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा आज आपका। ठीक है, तो काफ़ी बैलेंस एनर्जीज, 11-11 वाली एनर्जीज रहेगी, बैलेंस हार्मनी पीस में रहोगे आज आप, तो काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। चलिए देखते हैं ओवरऑल कैसा रहेगा आज आपका दिन।
ओके वाओ, वी हैव यूनियन एंड वी हैव होप. सी, होप तो आप रख ही रहे हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही होगा, तो आपको एक होप रखनी है कि सब कुछ बहुत जल्द सही हो जाएगा. अगर आप बहुत लो एनर्जीज में हो ना अपनी, तो आपको ना आपको तो ऐसा ट्रस्ट रखना है डिवाइन के ऊपर कि यस, सब कुछ बहुत जल्दी सही हो रहा है. एंड देन वी आर स्पिरिचुअल यूनियन, तो मे बी आज आप अपने स्पेशल समवन से मिल सकते हो, या फिर आज आज वो आपको कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. मैंने कहा था कि वो आपको हिंट दे सकते हैं कुछ आज, कि हाँ आप उनकी लाइफ में कितना मैटर करते हो. ओके, तो कुछ आपको हिंट मिल सकता है इस पार्टनर की साइड से, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ मैसेज भेज दें या कॉल करके कुछ आपको अपनी फीलिंग्स बता दें ये पर्सन. तो काफ़ी यूनियन वाला टाइम है. फिर आज काफ़ी लोगों का यूनियन भी दिख रहा है कि आपका यूनियन हो सकता है अपने पर्सन के साथ. बहुत वक्त बाद आप मिल रहे हो इस पार्टनर से. देन वी हैव शैडो, तो आपको ना अपने इंट्यूशन की सुननी है. अगर आप कन्फ्यूजन में हो कि समझ नहीं आ रहा है, कहीं स्टक हो गए हो, तो यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन. एंड देन वी हैव पेशेंस, तो आपको पेशेंस रखना है चीज़ों को लेके. कुछ चीज़ों को फोर्स नहीं करना है कि फटाफट सब कुछ हो जाए, नहीं, आपको पेशेंस रखना है, आपको प्लानिंग करनी है, आपको डिवाइन पे सब कुछ सरेंडर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है. ओके, कुछ भी चीज़ आपको मतलब भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे. ओके, देखते हैं आप क्या है आज की थीम आपके लिए. सोलर प्लेक्सस चक्र, तो आज आपको स्पेसिफिकली अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे वर्क करना है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो इम्प्रूव हो, ताकि अपनी लो एनर्जी से आप बाहर निकलो. एंड वी हैव थर्ड आई चक्र, तो आपको अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करना है, और आपको ट्रस्ट करना है अपने इंट्यूशन पे, अपनी थर्ड आई चक्र पे, कि जो जो आपको आपका गाइडेंस मिल रही है अपने दिल से, उस पर ट्रस्ट करना है. एंड वॉट ऑन द डेक, हमारे पास यहाँ पे आया क्लैरिटी. तो कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिल सकती है आज आपकी लाइफ में, कोई पार्टनर से, कोई सिचुएशन से, ठीक है, काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी आज आपको. चलिए यहाँ से देखते हैं आज आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है. गॉड गाइडेंस फॉर टुडे, वाओ, वी हैव लॉर्ड कृष्णा डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस. तो लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट करिए अपने स्पिरिट गाइड्स पे. आपका कमिटमेंट जो है ना, वो उन्होंने देखा है, उन्होंने फील करा है, और वो और आई थिंक आज आप डेफिनेटली आज काफ़ी लोगों का यूनियन हो रहा है, बिकॉज यू नो लॉर्ड कृष्णा इज़ अ ट्विन फ्लेम. एंड आई थिंक आज आप में से काफ़ी लोग तो मिलने वाले हो अपने ट्विन फ्लेम से, या फिर आज आप बात करने वाले हो, या सब कुछ सही होने वाला है आपके बीच में. एंड यहाँ पे यू आर लव्ड अनकंडीशनली, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत लव करते हैं, आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. आपको ज़रूरत है तो उनको महसूस करने की अपने आसपास, और ट्रस्ट रखने की उनके ऊपर, ठीक है गाइस. तो ये है आपकी रीडिंग. लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू.